गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लेट्स स्टार्ट. अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. बच्चियों, एक जी हाईली पॉलिश्ड सरफेस आप किस बोल सकते हैं, मिरर. मिरर तुम देखते जो एक साइड जी पॉलिश होंगी है और एक साइड जी अनपॉलिश्ड होंगी है, जिदे आप अपनी इमेज देखते हैं. ठीक है, जो उस उपर लाइट पैंती है तो वह की करता, उस लाइट को रिफलैक्ट करता है. यू आर ऑलरेडी फमिलियर विद द लॉस ऑफ रिफलैक्शन ऑफ लाइट. तुम चंगी तरह पता है कि तुम लॉस ऑफ रिफलैक्शन ऑफ लाइट जो छोटिया क्लासेस तो पढ़ते आ रहे जो. तो सब तो पहला तो मैं तुम्हें यह दसागी कि रिफलैक्शन ऑफ लाइट की होंगे है. हाँ जी स्टूडेंट्स, वैन लाइट बाउंसिस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफलैक्शन ऑफ लाइट. जदों किसी पॉलिश्ड सरफेस के नाल जिहड़ी लाइट आ टकरा के वापस मुड़ जाती है, उन्हों की बोलते हैं रिफलैक्शन ऑफ लाइट, भाव लाइट रिफलैक्ट कर गई आ. सपोज करो जिस तरह कोई चीज़ आ, ठीक है, तुसी उन्हों किसी नाल स्ट्राइक करवाते जो, स्ट्राइक भाव तुसी उसनों उस दे नाल टकरवाते जो, तो जदों उस नाल टकरा के वह वापस ताडे कोल आ जाती है. सेम इस तरीके जिहड़ी लाइट आ, ठीक है, जिदे बारे आप पहला पढ़ चुके हैं कि लाइट एक सेंसेशन होंगी आ, एनर्जी की फॉर्म होंगी आ, और लाइट जदों किसी मिरर के नाल टकराती है तो वह वापस उस मीडियम के विच बैक आ जाती है. सो दिस इज कॉल्ड रिफलैक्शन. और ये दो लॉ, ठीक है, आप पढ़ेंगे कि सब तो पहला लॉ आ, द एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफलैक्शन, एंड सैकेंड वन इज द इंसीडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस एंड रिफ्लैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. बच्चे जिस तरह सपोज करो कि तेरे को इदा मिरर आ, ठीक है, वो एक साइड पॉलिश्ड आ, ठीक है, इधरों सपोज करो लाइट आई आ, लाइट उन्होंने टकराई आ और टकरा के वो वापस मुड़ गई आ सेम प्लेन दे विच, ठीक है, देख सकते जो तुसी जितना राइट लाइट जी पै रही है, ठीक है, लाइट की रे पै रही है, उन्होंने असं बोलते हैं इंसीडेंट रे, ठीक है, जिहड़ी टकरा के वापस मुड़ गई है उन्होंने असं बोलते हैं रिफलैक्टड रे. ओके, समझ लग गई. सो जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस और एंगल ऑफ रिफलैक्शन का बनता है वह हमेशा इक्वल होंगे. तुसी इहदे विच एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते जो, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के बाद तुसी इहदा जिहड़ा एंगल वह चैक कर सकते जो, जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस आ और जिहड़ा एंगल ऑफ रिफलैक्शन का बनेगा वह की बनेगा, सेम बनेगा. ठीक है, जिन्ना एंगल इधर होएगा उन्ना ही इधर होएगा, जे इधर 90 डिग्री है इधर भी 90 डिग्री होएगा. ये लॉ आ, फस्ट लॉ आ रिफलैक्शन का. जिहड़ा सैकेंड लॉ आ दैट इज इंसीडेंट रे, नॉर्मल रे ते जिहड़ी अपनी रिफलैक्टेड रे आ सारियां सेम प्लेन दे विच होंदियां, तुसी देख सकते हो इहना जिहड़ा प्लेन आ बिल्कुल सेम आ, इक्के साइड आ. ओके, सो हाँ जी बच्चे, इस रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर लॉ, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.